जॉन का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में, ही पेज एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 1 जुलाई। हर साल इंश्योरेंस कब पे करता है? 1 जुलाई। अच्छा, जुलाई में अगर पे करता है और एनुअल पे करता है तो कब तक का पे करता है? जुलाई से दिसंबर 6 महीने होते और फिर जनवरी से जून 6 महीने होते, तो इसका मतलब जुलाई से जून तक हम पे करते हैं। काउंट कर लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने, तो ये 12 महीने का हमने पे किया। कह रहे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें बताना है ईयर एंड जो हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर 2007। बताएं इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस का कितना अमाउंट जाएगा? यार देखो, हमने पहला पे किया है जुलाई 2006 में और दूसरा पे किया है जुलाई 2007। मुझे बता सकते हैं अगर ये जुलाई 2006 में पे किया है तो ये कब तक का पे किया होगा? जुलाई से, एक तो दिसंबर आया होगा, फिर जनवरी से जून, इसका मतलब 30 जून तक का पे कर दिया होगा 2007 तक का। फिर 1 जुलाई 2007 को पे किया तो ये 30 जून तक का पे कर दिया दोबारा, और ये कब तक का पे कर दिया? 2008 तक का पे कर दिया। अरे बस, तो ये 12 12 महीने का हमने पे किया, लेकिन हमें कितना निकालना है? हमें सिर्फ निकालना है इसमें से 2007 का। तो अगर 2007 देखें, जुलाई से दिसंबर 2006 तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जनवरी से जून, इसका मतलब 6 मंथ्स का इसमें से निकालेंगे, 2400 का हाफ कर दें, ये हो जाएगा 1200, और बाकी 6 मंथ्स का इसमें से निकालेंगे कैसे? जुलाई से दिसंबर हमें चाहिए, जनवरी से जून 2008 का नहीं चाहिए, 2007 का इसमें से निकालना है 6 महीने का, तो 1500 का हाफ कर दें, 1500 का हाफ कितना आएगा भाई, सॉरी 3000 का हाफ कर दें 1500, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा? 2700। सही जी, तो इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस आना चाहिए? 2700। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा देख लें क्वेश्चन को। भाई देखें, हमारा जो ईयर होता है वो चलता है जनवरी से दिसंबर, अगर तो हम इंश्योरेंस भी जनवरी टू दिसंबर पे कर रहे होते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, जो भी हमने पेमेंट की होती जनवरी से दिसंबर वही हम उठा लेते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम इंश्योरेंस पे करते हैं जुलाई से लेके जून तक का, सही है, लेकिन हमारा ईयर एंड हो रहा है जनवरी से दिसंबर, हमें बताना है दिसंबर 2007 के इनकम स्टेटमेंट में। सर फ्रेज समझाएं, हाउ मच इज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम द इंश्योरेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड? क्या मतलब? मतलब ये भाई कि 2007 के जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंश्योरेंस में से कितना अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट में? याद है क्या एंट्री बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट। तो देखें इस साल की कौन कौन सी पेमेंट है, ये जो हमने पे किया है जुलाई से लेके जून 2007, जुलाई से जून तो होगा, जुलाई से दिसंबर तो होगा 2006 का, लेकिन जनवरी से जून होगा 2007, 6 महीने इसमें से निकालने। सर 2007 में 2006 का क्यों आएगा? इनकम स्टेटमेंट हर साल की अलग नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट तो मेरे भाई हर साल की अलग अलग होती है, लेकिन जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो देखो, इनमें से मुझे बताओ 2007 की पेमेंट्स कौन कौन सी हो रही है। देखो मैं एक बार दोबारा टाइमलाइन बना के बता देता हूँ, मैंने जो पेमेंट की होगी ये कब से कब तक की है, ये मैंने पेमेंट की है जुलाई 2006 से, जुलाई 2006 से मैं कर रहा हूँ कब तक की, 12 महीने लगाओ कब एंड होंगे, 30 जून 2007, तो अगर आप देखें ये 12 महीने की पेमेंट है, इसको हाफ कर दें, हाफ क्यों, एक तो होगा जुलाई से दिसंबर 2006 तक का, जुलाई से दिसंबर 2006, और एक होगा जनवरी 2007 से लेके जून 2007, 6 मंथ्स ये हैं और 6 मंथ्स ये हैं, तो हमें 2007 के अगर हम अकाउंट बनाने हैं तो हमें लास्ट 6 मंथ की पेमेंट उठानी पड़ेगी, 2400 का हाफ कितना आ जाएगा, 1200। सिमिलरली एक और टाइमलाइन आप ऐसे ही बना लें, और जो दूसरी पेमेंट की होगी वो हमने कब से कब तक की होगी, दूसरी पेमेंट की होगी हमने जुलाई 2007 से लेके जून 2008 तक की, कब तक की भाई, जून 2008 तक की, और हमें इसको भी हाफ करना है, क्यों, एक तो होगा जुलाई से लेके दिसंबर 2007 तक और एक होगा जनवरी से लेके जून 2008, हमें 2008 की नहीं चाहिए, शुरू के 6 महीने की चाहिए 2007 की, तो आधा साल इसमें से निकालेंगे, आधा साल इसमें से निकालेंगे, समझ आ गया, 6 मंथ्स का जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, तो शुरू के 6 महीने, आखिरी के 6 महीने यहाँ से उठा लेंगे, शुरू के 6 महीने, हमें सिर्फ देखना है 2007 की पेमेंट कब कब की है, इस साल में से आधे साल की 2007 की, इस साल में से भी आधे साल 2007 की,
तो टोटल आ जाएगा 2700।